संजू लेके जाने वाला है नीति को हॉस्पिटल। यहाँ पे हॉस्पिटल में पूरा का पूरा बाजवा परिवार यहाँ पर होता है और परी यानी कि पार्वती भी वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद होती है, अंबिका जी भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे नीति की जो बेवकूफ़ी है वो यहाँ पे उजागर हो गई है, सामने आ गई है सबके कि यहाँ पर नीति ने अपने हाथ की नस काट ली है, एक सुसाइड अटैम्प्ट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अंबिका जी हैं वो बोलती हैं कि इसको यहाँ पर डॉक्टर और हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर किसी इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि इसकी दिमागी जो संतुलन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो अंबिका है वो यहाँ पे संजू को सारी बात बोलती है, लेकिन यहाँ पे जो परी है जो कि पार्वती है वो नीति के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि असलियत में परी जो है वो तो एक बहुत अच्छी लड़की दिखाई गई है, नीति ने इतना बुरा उसके साथ कर दिया, फिर भी यहाँ पे परी जो है वो परेशान है नीति को लेकर कि वो जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पे जो नीति की माँ है वो भी बहुत परेशान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि यहाँ पे नीति के साथ क्या हुआ है। तो जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है वो तो यहाँ पे जो बेबे होती है वो सारी बात बता देती है कि संजू जो है वो घर छोड़ के जा रहा है, इसलिए नीति ने ये हरकत की है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिरकार संजू का फैसला होता है कि वो भाजवा हाउस में रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, संजू नीति के साथ रुकेगा या नहीं रुकेगा? आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। यहीं तक था दोस्तों आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।